तो एक महीने का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये सारा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको करना है। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन पे जो है हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन बहुत रिसेंटली आया है, 2 नवंबर, देख सकते हैं आपको, 2/9, ठीक है, 2024 को, यानी कि 2 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जितने भी पोस्ट हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्टों की संख्या है 733, यानी कि टोटल जो पोस्ट है हमारे, वो टोटल पोस्ट कितने हैं हमारे, 733, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, 733 पोस्टें हैं आपकी। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इसमें 2 पदे हैं, 2 में कौन कौन है, इसकी अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त परीक्षा जो है 2024 का, जिसमें राज्य सेवाएं हैं, यानी कि जो अपर हम बात करते हैं, जैसे यूपी पीसीएस में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस होता है, वैसे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राज्य की जो सेवाएं हैं, राज्य अधीनस्थ सेवाएं जो हैं, इसकी 346 और अधीनस्थ सेवाओं की देखेंगे तो 387, यानी कि टोटल अगर कंप्लीट हम देखें तो 346 प्लस 387 अगर आप देखें तो आपका जो है 733 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें अपर भी है और इसमें लोअर पीसीएस दोनों के भी जो है इसमें पद जोड़े गए हैं। अगर हम बात करें कि राज्य सेवाएं कौन कौन सी है, राज्य की जो सेवाएं हैं कौन कौन सी है, 346 जो हमारे पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ठीक है, आरएएस की जो प्रशासनिक सेवा, जिसे हम एसडीएम वाली जो पद कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रशासनिक सेवा के पदों की संख्या देख सकते हैं आप, 28 है। और ये वेतमान अगर देखें, पे मैट्रिक्स देखें, तो लेवल 14 का पे मैट्रिक्स है इसका। इसके साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान पुलिस सेवा की, जो है जो डीएसपी होते हैं, उनके पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट है 50 और ये भी लेवल 14 की जो है इसका वेतमान है। राजस्थान लेखा सेवा है, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान कारागार सेवा, राजस्थान उद्योग सेवा, राजस्थान राज्य बीमा सेवा, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा और राजस्थान पर्यटन सेवा, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो पोस्ट हैं, वो सारे पोस्ट जो है राजस्थान सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य सेवाओं के अंतर्गत ये पोस्ट है। इसमें देखिए राज्य लोक लेखा सेवा के भी जो है 109 पद हैं, सबसे ज्यादा पद हैं राजस्थान लोक सेवा के, ठीक है। इसमें देखेंगे इसका भी जो वेतमान पे मैट्रिक्स है, लेवल 14 का पे मैट्रिक्स है। इसके साथ राजस्थान सहकारी सेवा का अगर आप देखें तो राजस्थान सहकारी सेवा में नंबर ऑफ पोस्ट जो है 12 है, 12 है और लेवल 12 का जो है ये पद है। राजस्थान नियोजन सेवा के बारे में अगर हम बात करें तो नियोजन सेवा में भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, 3 पोस्ट है, लेवल 12 का भी ये पोस्ट है। राजस्थान कारागार सेवा है, राजस्थान उद्योग सेवा में देखिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, राजस्थान राज्य बीमा सेवा में 3 पोस्ट है, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में जो 59 है, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा जो है 7 है और राजस्थान पर्यटन सेवा देखिए कोई पोस्ट है नहीं वैसे। इसके साथ साथ अगर राजस्थान परिवहन की बात की जाए तो परिवहन में देख सकते हैं 2 पोस्ट है, लेवल 12 का जो है। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा जो है इसमें 13 पोस्ट है। राजस्थान देवास्थान सेवा है, ग्रामीण विकास इसमें कोई है नहीं, महिला विकास में है नहीं कोई। राजस्थान श्रम कल्याण सेवा में जो है 2 पोस्ट है और राजस्थान अबकारी सेवा है, राज्य अबकारी सेवा जो है, और राजस्थान अल्पसंख्यक जो है, राजस्थान कृषि सेवा, इसमें 16 पोस्ट है, ठीक है। तो ये जितनी है राज्य सेवाओं के अंतर्गत ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ देखिए ये राज्य सेवाओं के पद हैं और कितने हैं, 346 है और सबसे हाईएस्ट अगर देखिए, सबसे हाईएस्ट किसमें है, 109 पोस्ट जो है राजस्थान लेखा सेवा में जो है पोस्ट दिए गए हैं। इसके बाद देखिए सबसे जो सबका क्रीम पोस्ट है 28 है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में देखिए 50 है, तो अच्छे खासे पद है इसमें और आप लोगों को तो एक सीट से ही मतलब है इसमें। चलिए अगर हम अधीनस्थ सेवाओं के बारे में बात करें तो जो जैसे यूपी में क्या है, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस होता है, इसमें दोनों को कंबाइंड करके देखिए इतना ज्यादा पोस्ट निकाल दिया गया है। अधीनस्थ सेवाओं में देखें तो 387 जो है पद है इसमें पोस्ट है, जिसमें देखेंगे राजस्थान देवास्थान अधीनस्थ सेवा जो है, एनएससी जिसे कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 11 है और पे मैट्रिक्स देखिए लेवल 10 है, ठीक है, जबकि डीएसपी में आपने देखा लेवल कितना था, 14 था। राजस्थान देवास्थान अधीनस्थ सेवा एसए जो है इसमें 2 पोस्ट है, राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा जो है इसमें 41 पोस्ट है, राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा एसए जो है इसमें जो है 2 पोस्ट है, राजस्थान तहसीलदार सेवा जो है वो आपका 166 पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट देखिए है।
राजस्थान तहसीलदार सेवा यस्से जो है इसमें इसमें सिर्फ 12 पोस्ट है। आबकारी सेवा, राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा है आपका, राजस्थान उद्योग सेवा इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा जो है इसमें पोस्ट नहीं है, वाणिज्य इसमें भी नहीं है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक जो है इसमें 17 पोस्ट है और इसमें देखिए इसमें एक भी पद नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे राजस्थान में और भी देखिए नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि पोस्ट जानना जरूरी भी है। प्रेफरेंस देखिए राजस्थान समेकित बाल विकास में देखिए सिर्फ 4 ही पोस्ट दिया हुआ है। इसके बाद इसमें देखिए राजस्थान ये भी है, इसमें देखिए राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जो है इसमें एक पोस्ट है। राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता में देखेंगे आप तो 42 पोस्ट है, 42 है। राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जो है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी 8 पोस्ट है। राजस्थान सामाजिक न्याय देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें सिर्फ 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है। सबसे ज्यादा अगर पोस्ट देखिए तो राजस्थान तहसीलदार सेवा में होता है, सबसे ज्यादा पोस्ट जो दिया हुआ है अधीनस्थ वाले में तहसीलदार सेवा में जो है ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टों के बारे में हमने देखा क्योंकि स्टूडेंट को जानना भी चाहिए कि क्या क्या है, कौन कौन से पद हैं। और यहाँ पे देखिए दिया है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग जो है कनिष्ठ विपणन अधिकारी के लिए 55 सीटें हैं और लेवल 11 का ये जो है पद है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए और कौन कौन से पोस्ट है ये हमने बात किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके पेपर के पैटर्न पे या रिलैक्सेशन पे बात करें तो पेपर के पैटर्न में देखेंगे 4 पेपर होते हैं इसमें, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें दी हुई हैं कि देखिए जो अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में ये सब चीजें दी हुई हैं उनको कुछ छूट दिया जाता है। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नॉट लेस देन 5 ईयर ऑफ सर्विस वेदर अफेक्टिंग सब्सटेंसिव ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ 25 यानी 1 जनवरी 2025 दिया हुआ है। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, उनके लिए अलग से दिया हुआ है। अगर हम आगे बात करें इसमें इसमें जो मेन चीजें हम लोग को जानना चाहिए राजस्थान के जो सिविल सर्विसेज के बारे में है, राजस्थान का आयु सीमा में देखिए दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान मेन है देखिए कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में भी है वो भी अपीयर हो सकता है, लेकिन जब मेंस का पेपर होगा उसके पहले उसका मार्कशीट जो है अवेलेबल हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसका। आयु सीमा में देखें तो आयु कब से काउंट होगा तो आयु आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। मिनिमम जो एज है वो है 21 है और मैक्सिमम जो एज है वो आपका 40 साल तक है यानी कि 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अराजपत्रित कर्मचारी है वह 1 जनवरी 2025 को अगर 25 वर्ष पूरा कर लेता है तो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ है तो वो भर सकता है, उसको रिलैक्सेशन छूट उसको मिला हुआ है। किसके? अराजपत्रित के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उक्त पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा पूर्व में 2023 में जारी किया गया था और गणना किया गया था 1 जनवरी 2024 को रखा गया था, लेकिन आयु गणना का अधिकार अब 2025 हो गया। 1 जनवरी 2024 था, अब वो 25 हो गया, इसको भी याद रखिए। अगर हम बात करें छूट में तो राजस्थान राज्य के जो भी अनुसूचित जाति से आते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से यानी कि शेड्यूल ट्राइब से जो आते हैं, या कोई पिछड़ा वर्ग का हो यानी कि जो बैकवर्ड क्लास से हो या ओबीसी क्लास से हो, अति बैकवर्ड क्लास से हो, ठीक है, तो या मोर बैकवर्ड क्लास से का, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है, जो मेल कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए देखिए यहां पर अच्छा ये दिया हुआ है कि 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अन्य किसी राज्य में इस तरह का नहीं देखा जाता है, खास करके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तो चलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है इकोनॉमी के आधार पर, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर आपको जो है एज में रिलैक्सेशन राजस्थान राज्य के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष हैं, ठीक है, यानी कि वीकर सेक्शन राजस्थान स्टेट के जो क्लासेज जो है उनके लिए जो देखिए यहां पे दिया है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर एक महिला है तो ये किसके लिए है? ये पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है पुरुष के लिए। वही अगर कोई महिला है
चाहे राजस्थान की अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई महिला हो, उसके लिए क्या है, उसके साल उसके लिए देखिए यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है और इस तरह का कोई और स्टेट नहीं करता है। चूंकि आज रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है इसमें देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर अन्य स्टेटों में ये देखने को स्टेट में नहीं मिल रहा है एज रिलैक्सेशन का, लेकिन राजस्थान राज्य ने पुरुष के लिए 5 साल और महिला के लिए जनरल महिला के लिए जो है 10 साल का छूट दिया है। अगर वो कोई आरक्षित है, सामान्य आरक्षित वर्ग की अगर कोई महिला है तो उसके लिए देखिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये भी यहां पर कहा गया है। ठीक है, वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो उसे 5 साल की छूट दी गई है, या विधवा है, विच्छिन्न विवाह है, डिवोर्सी है, तलाकशुदा महिला है तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप और भी चीजें, चूंकि ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, एक एस्पिरेंट्स को ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि राजस्थान जो राज्य है, इसीलिए राजस्थान त्योहारों का शहर कहा जाता है, राजस्थान में फेस्टिवल पर्व ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर परीक्षा का जो ये सब सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें 3 चरण होते हैं आपके पेपर का। देखिए अब डेट जो है, आवेदन की अवधि जो है वो 19/9 से स्टार्ट हो जाएगी और 18/10 मतलब एक महीने तक जो है आप इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने तक, तो 1 महीने का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये सारा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको करना है, पोर्टल पे करिए आराम से, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ये जितने भी हैं, पासवर्ड सब कुछ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ओटीपी तो आपके दिएगा। देखिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो क्रिमिल, सामान्य वर्ग का कोई है या पिछड़ा वर्ग का क्रिमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के अभ्यर्थी के लिए जो फी लगेगा वो 600 रुपये लगेगा, 600 रुपीज लगेंगे। लेकिन आरक्षित वर्ग का अगर कोई अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर का अगर है या आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस अभ्यर्थी के लिए कितना लगेगा, 400 रुपीज लगेगा। यदि कोई दिव्यांगजन डिसेबल व्यक्ति है उसके लिए भी देखिए यहाँ पर 400 रुपीज जो है फी लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये नोट करके बताएगी कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है, वो या तो अनुसूचित जाति का कोई हो अदर स्टेट का, या अनुसूचित जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अदर स्टेट का अगर हो, तो उसे राजस्थान राज्य में एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ये भी दिमाग में रखिएगा, इसीलिए मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बता रहा हूं कि याद रखिएगा, सिर्फ राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान स्टेट के जो लोग हैं, वहां का जो पिछड़ा वर्ग का है, अति पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, उसे जो है छूट मिलेगी। लेकिन जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वहां जाते हैं राजस्थान फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसे एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी एसओ आईडी द्वारा क्या करेंगे, एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर, मतलब वही है कि एक बार जो है अपना जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वही सब चीजें दी है, पहले अगर किया है फिर वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 चरण है, प्रीलिम्स है, मेंस है और आपका इंटरव्यू है, जैसे यूपीएससी में है वैसे इसमें भी है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 आवर्स के पेपर होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150, टोटल मार्क्स कितने हैं 200 मार्क्स के हैं एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 1/3 की होगी। देखिए यहां पे दिया हुआ है सब्जेक्ट क्या होगा, इसका होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200 है। कितना टाइम मिलेगा आपको, आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और देखिए क्या लिया, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, सिर्फ 1 पेपर होगा, यूपीएससी की तरह 2 पेपर नहीं होगा कि जनरल स्टडी का भी पेपर हो रहा है, सीसेट का भी पेपर हो रहा है, 2-2 घंटे का, ऐसा नहीं है, 3 घंटे का एक ही साथ पेपर आपका लिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि विच विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे एंड कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स की होंगे। द एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली, मतलब इसका मार्क्स कोई जुड़ेगा नहीं, आपको पीटी सिर्फ क्या करना है, पास करना है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है इसका।
द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल। जो स्टैंडर्ड होगा जो पेपर का वो सिर्फ बैचलर डिग्री लेवल का होगा। आप सभी बैचलर, क्योंकि परीक्षा तो ये नहीं कर रहा ना कि एग्जामिनर कह रहा है कि आप जो है एम टेक करके आइए, पी एच डी करके आइए, वो तो सिंपल ग्रेजुएशन कह रहा है। तो जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो बैचलर डिग्री लेवल का होगा। द मार्क्स ऑब्टेंड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट who are declared qualified for admission to mains examination will not be conducted for determining their ठीक है final order of merit। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब उसका कोई बच्चा अगर prelims पास होता है, mains जाता है, mains जब लिखता है तो ऐसा नहीं कि उसका प्री और मेंस का दोनों का नंबर जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ उसका मेंस का नंबर जोड़ा जाएगा। पीटी परीक्षा सिर्फ क्या है, पीटी परीक्षा को सिर्फ आपको पास करना है, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। जो महत्वपूर्ण या मेधावी जो स्टूडेंट होते हैं, इन बच्चों की एक छटनी की प्रक्रिया होती है। एक आम भाषा में अगर हम बात करें, जो पीटी का पेपर होता है सिर्फ छटनी की प्रक्रिया होती है। जो अच्छे क्रिम बच्चे होते हैं जिनको मेंस देना होता है, वो जो है पीटी की परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि भीड़ को कम किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मेंस का पेपर, मेंस का पेपर पीटी के बाद क्या होगा, मेंस का पेपर होगा। और मेंस के पेपर में भी देखेंगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स, यानी कि जितने पोस्टें हैं उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द ईयर थ्रू द एग्जामिनेशन बट इन द सेट रेंज दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द सेम मार्क्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर एनी लोअर रेंज विल बी एडमिटेड टू द मेन्स एग्जामिनेशन। मतलब कहने का यही है कि क्या होगा, 15 गुना बच्चे को जो है क्या किया जाएगा, मेंस में बुलाया जाएगा, जितना पोस्ट है उसका 15 गुना, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। इसमें ये कहा गया है, देखिए यहां मेंस के एग्जामिनेशन में जब आप पीटी पास कर लेंगे तो मेंस के एग्जामिनेशन में देखिए चार पेपर होंगे, यहां पे फोर पेपर यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा, सेकंड पेपर भी जनरल स्टडी का ही है, थर्ड पेपर भी जनरल स्टडी का है, लेकिन फोर्थ पेपर अगर आप देखेंगे तो ये जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का है। और सभी के मार्क्स जो है इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि टोटल देखिए यहाँ पे 200 200 200 एंड 200, यानी कि टोटल 800 मार्क्स के जो है आपका मेंस का पेपर होगा, ठीक है। और फाइनल मेरिट भी जो बनेगा, मेंस का पेपर और इंटरव्यू का जो मार्क्स है दोनों को मिलाकर आपका बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कैंडिडेट, देखिए यहां पे कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट टू क्लॉज अंडर सब हेड मेंस एग्जामिनेशन ऑफ हेड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी सराउंडेड बाई देम फॉर द पर्सनैलिटी एंड बाय वर्षा एग्जामिनेशन विच कैरीज 100 मार्क्स। मतलब कहने का मतलब है कि आपके 800 मार्क्स के तो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा और 100 मार्क्स का जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल 900 मार्क्स के होंगे और टोटल 900 मार्क्स में जो है क्या करना है आप सभी को, 900 मार्क्स में जो सबसे ज्यादा बेस्ट करेगा उसी का क्या होगा, सिलेक्शन भी होगा। तो याद रखिएगा इसमें तीन, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेपर तो आपके चार हैं, और इन्हीं चारों पेपर में जो है जितना बेस्ट आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करोगे उसी के हिसाब से जो है आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। और जो मेंस बच्चों को बुलाया जाएगा, जो मेंस में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो 100 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे और इस इंटरव्यू को जो मार्क्स आपके मिलेंगे 100 मार्क्स में और टोटल जो चार पेपर जीएस के हैं उसमें दोनों को ऐड किया जाएगा और फाइनल मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपका रैंक भी डिसाइड होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन मार्क 1 2 3 4 5। बस ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें 5 ऑप्शन होंगे, क्या होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, याद रखिएगा। यू हैव बी डार्कन ओनली वन सर्किल वन बबल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर सीट यू ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यानी कि सिर्फ आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ब्लैक नहीं ले जाना है, याद रखिएगा। इट इज मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में एक कोई ना कोई ऑप्शन आपको भरना है, यानी कि पांचवा अगर नहीं आ रहा है तो आप पांचवा ऑप्शन भरिए, मतलब टोटल जो है 5 आपके बबल होंगे, 5 बबल में जो है कुछ ना कुछ आपको आपको भरना वाली, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, कोई ना कोई आपको भरना है। अगर नहीं भरेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी भरना है, तो आप 5वां ऑप्शन भरिए, नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन भरिए, लेकिन किसी बबल को छोड़ना नहीं है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5,
अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो उस सिचुएशन में आपको फिफ्थ वाला जो सर्किल है उस सर्किल को क्या करना है, डार्क करना है, ये नहीं कि छोड़ के चले आए, ठीक है। इफ नन ऑफ द फाइव सर्किल इज डार्कनेड, वन थर्ड पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए पांचों ऑप्शन में आपने किसी को सर्किल नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, 1/3 मार्क्स जो है आपका, जितने का नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका 1/3 जो है आपका क्या किया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। यानी कि हर तीन क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कट होगा, याद रखिएगा, तीन सही पे एक गलत चला जाएगा फिर आपका, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट एसर्टेन दैट ही हैज डार्कन वन ऑफ द सर्किल फॉर ईच क्वेश्चन एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट्स बियॉन्ड शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइड फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर वही मैंने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन फाइव सर्किल को करता है, 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एक एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द फाइव सर्किल इन मोर देन 10%, तो ये क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 10% से ज्यादा क्वेश्चन को सर्किल को नहीं फील किया है, ऐसा लगे कि 10% से ज्यादा बार वो कर चुका है, तो वो क्या होगा, वैसे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि इस तरह का अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेन मोटो क्या है, मेन मोटो ये है कि हमको जो है कोई भी सर्किल, पांचों सर्किल आपको दिया हुआ है, कोई भी सर्किल को आपको छोड़ना नहीं है। मोटा मोटी आप सुन लीजिए, मान लीजिए पांचों सर्किल है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, अगर आपको नहीं आता है तो भी क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे, छोड़ना नहीं है, क्या करना है, डार्क करना है। अगर आप छोड़ दिए, कोई भी नहीं किए, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में फिर जो है आपके 1/3 मार्क्स जो होंगे वो कट हो जाएंगे, ये भी आप सभी को याद रखना है। क्या होंगे, 1/3 मार्क्स क्या होंगे, आपके कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूं इसको, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो मोटा मोटी जो था आपका जो मेन है, मेन में आपको एक बार और रिपीट कर देना हो, ये सारी चीजें दी हुई हैं, चूंकि नोटिफिकेशन वहीं से लिया गया आयोग से। पीटी आपका है, जो मेन चीजें हैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। पीटी का पेपर जो है, सिर्फ मैंने कहा पीटी के पेपर में आपका एक पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, एक ही पेपर है आपका। ये पेपर जो होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा, और इस पेपर में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 होगा, और इसके साथ साथ ये कितने आवर्स का होगा, तो ये आपका 2 आवर्स का होगा, ठीक है। यानी कि ये कितना होगा, 120 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो इसी में से जो है आपको जो है पीटी क्वालिफाई करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये 200 मार्क्स है, याद रखिएगा, पिछली बार 100 पॉइंट समथिंग कुछ गया था, कट ऑफ गया था। इसके साथ साथ जो मैंने कहा मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में भी जो है आपके 4 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। फर्स्ट भी आपका 200 मार्क्स का है, सेकंड भी आपका 200 मार्क्स का है, थर्ड भी आपका 200 मार्क्स का है, और फोर्थ भी आपका कितना है, 200 मार्क्स का, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं 800 मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो 800 मार्क्स में क्या होगा, आपका कट ऑफ घोषित किया जाएगा। तो जिसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर होंगे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए जब कॉल किए जाएंगे फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, तो साक्षात्कार जिसे कहते हैं, इंटरव्यू जो होगा वो आपका होगा 100 मार्क्स का, और 800 ये हो गया और 100 ये हो गया, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 900। और इसी 900 में से क्या होगा, इसी 900 में से जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा और आपका रैंक जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन था, और अच्छे खासे इसमें पद दिए हुए हैं, आराम से जो है इसको देखिए, और चीजों को जो मेन मेन चीजें थी वो आपको मैंने बताई दिया, इसको आराम से देखिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैंने कहा कि पहला मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है, अदर स्टेट में ऐसा नहीं मिलता है। इसमें जो है आपको जो है जो EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी, स्टूडेंट जो हैं उनको भी जो है इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। पुरुष है तो उसे 5 साल, महिला है तो उसे 10 साल, ठीक है। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो क्या होगा, एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे,
ठीक है। तो ये जो है टोटल जो पोस्ट है, मैंने कहा कि 733 टोटल पोस्ट है, जिसमें राज्य सेवाएं कितनी है 346 है, अगर अधीनस्थ सेवाएं देखा जाए तो आपका 387 है, और टोटल अगर देखा जाए तो 733 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड राजस्थान से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, इन सभी चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है और आगे जो है फिर इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।